वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं वैल्यूइंग अदर्स चैप्टर नंबर 6 की। आज हम उसमें करेंगे अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बी डू एंड हैव। आपको पता है कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो बी जो है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, इज, बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आता है। और क्योंकि ये हमें जमाना टेंस का बताते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और डू में डू, डज और डिड, और हैव में हैज, हैव, हैड। ये हम पहले लास्ट चैप्टर में इनको कर चुके हैं। वर्ब्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड अप ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। आपको पता है कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होता है। तो हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है या मोर देन वन वर्ड। शी ड्रैंक द टी, ड्रैंक पास्ट टेंस है, उसने चाय पी। तो इसमें ड्रैंक एक ही वर्ब यूज हुआ है। She is drinking the tea. वो चाय पी रही है। Is आ गया, ये बताता है कि present tense है, जमाना है हाल में, वो चाय पी रही है। तो main verb drinking है और is जो है वो helping verb है। She has been drinking the tea. वो चाय पी रही है। तो has been add हो गया, तो drinking is the main verb और has been is the हेल्पिंग वर्ब। द मेन वर्ब इज कंपल्सरी। हर सेंटेंस में एक वर्ब लाजमी होता है। द अदर वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अदर वर्ब्स जो हैं उनको हेल्पिंग या मददगार वर्ब्स कहते हैं। डिस्टिंग्विशिंग हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को कैसे आपस में तफरीक करते हैं। मेन वर्ब्स आर नेसेसरी। मेन वर्ब्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक सेंटेंस में। इफ यू ओनली हैव वन वर्ब, दैट वर्ब इज द मेन वर्ब। अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही होगा। इफ यू हैव मोर देन वन वर्ब, द लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब। अगर आपके पास दो वर्ब हैं तो जो लास्ट वर्ब है वो मेन वर्ब होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें बी डू एंड हैव जो है एज अ मेन वर्ब यूज हुए हैं। मसलन आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं। तो एम जो है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल। वी हैड अ हाउस, हमारे पास एक घर था। तो इसमें भी हैड इज यूज एज अ मेन वर्ब। फिर है यू आर लेट, तुम जो है वो लेट हो। तो इसमें भी आर एज अ मेन वर्ब यूज। ही हैज टू सिबलिंग्स, उसके दो बहन भाई हैं। बहन भाइयों को सिबलिंग्स कहते हैं। तो इसमें हैज एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह दे हैव अ बाइसिकल, उनके पास एक बाइसिकल है। तो हैव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने बहुत अच्छा काम किया, एक अजीम काम किया। तो डिड इज करना मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं बी डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। I am reading a story. मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ। अब देखें कि इसमें सेकेंड जो है वो रीडिंग इज द मेन वर्ब और am इज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से हमेशा पहले आता है। We had bought a house. हमने एक घर खरीदा था। Bought कहते हैं खरीदने को। तो इसमें bought इज द मेन वर्ब और had इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, जा रहे हैं, और तुम स्कूल जा रहे हो, और आर इज अ हेल्प। ही हैज रिटन अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। तो
तो रिटन लिखना जो है वो मेन वर्ब है और हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब. दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, उन लोगों ने फैसला किया कि वो बाहर जाएंगे. तो इसमें डिसाइडेड इज अ मेन वर्ब और हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब. डिड शी पास हर एग्जाम, क्या उसने अपना एग्जाम इम्तहान पास कर लिया है. तो इसमें पास इज द मेन वर्ब और डिड क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो इसलिए डिड जो है वो पहले आ. तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स. एक्सप्रेस मीनिंग बाय चेंजिंग द टाइम और मूड. तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब के साथ टाइम और मूड का हमें बताते हैं. जैसे हमने देखा वाज पास्ट टेंस को बताएगा, इज प्रेजेंट को. तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब से पहले आते हैं. मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग बी डू एंड हैव ईच एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स. पहला सेंटेंस है आई एम अ टीचर, इसमें हमने इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया है. दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है. इसमें भी इस जो है मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है. ही वॉज जॉगिंग इन द पार्क, जॉगिंग कहते हैं तेज चलने को. तो वो पार्क में सैर कर रहा था. तो जॉगिंग जो है वो मेन वर्ब है और वॉज जो है वो हेल्पिंग है. आप देखें वॉज जॉगिंग से पहले आया है. ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग इज वर्ब. माय डियर स्टूडेंट, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, जो कामयाब लोग होते हैं उनको कामयाबी तोहफे में नहीं मिलती. दे जस्ट वर्क हार्ड, वो मेहनती होते हैं. देन सक्सीड ऑन पर्पज, और तब वो अपना मकसद हासिल करते हैं. तो आप भी आज से मेहनत करने की आदत डालें, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अल्लाह की किताब को भी तर्जमे से पढ़ें ताकि आप सीधे रास्ते पे कायम रहें. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.